तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इन्होंने, इन फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये सब ऐसे लिखा है। पूछा क्या है, OPR पूछा है हमसे, हमसे पूछा है OPR, हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा, ये वाला OPR, ये वाला एंगल कितने डिग्री का। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर लिखना भी बता दूंगी। PR जो आर के ना, PR ये कितने डिग्री का होगा, PR के ऊपर ही ये वाला बना हुआ है ना, तो ये 100 है तो ये 200 का होगा, सिंपल सा डबल होगा, सेंटर पे है ना, क्योंकि पी आर जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, सेंटर पे हमेशा डबल बनता है कोई भी अदर पार्ट से। यहाँ पे अगर 100 बनाए तो यहाँ पे ये 200 होगा। अब ये 200 है तो ये कितने का होगा, ये पूरा सर्कल 360 का होता है एक सर्कल, तो 360 में से 200 अगर हम माइनस कर दें, 360 में से 200 निकाल, तो कितना बचेगा, 160 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 160 का, कौन सा, ये वाला एंगल हो गया 160, ठीक है। अब देखो, अब ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ओपी रेडियस है, ओआर भी रेडियस है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो तीनों का सम 180 करके और फिर निकल जाएगा। अब मैं लिखना बता रही हूँ, लिखना बता रही हूँ शुरू से कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन हाँ गिवन वे तो इसी में से लिख लेना तुम, डायरेक्ट मैं लिखना बता रही हूँ आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। देखो अगर मैं सिंपल एंगल पी ओ आर लिखती ना खुशी, तो इसका मतलब होता है मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले, ठीक है, इस बड़े वाले के लिए हमें रिफ्लेक्स लिखना पड़ता है, पी ओ आर। अगर आप इस वाले की बात कर रहे हो, बाहर वाले की, तो रिफ्लेक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं रिफ्लेक्स नहीं लगाती ना, तो इसका मतलब होता पी ओ आर कौन सा, ये अंदर वाला, तो रिफ्लेक्स का मतलब हो गया ये वाला, ठीक है ना, ये बड़े वाला पार्ट, रिफ्लेक्स बड़े वाले के लिए लगाते हैं, मतलब बड़े वाला एंगल। तो रिफ्लेक्स पी ओ आर कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का डबल होगा, ये अगर 100 है ना तो ये 200 होगा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू, ये मैं लिखना बता रही हूँ कैसे लिखना, पी क्यू आर कितना है 100 है, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 200 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर, यहाँ लिख रही हूँ इसके बाद, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360, 200, 360 में से 200 निकाल दो, क्यों, क्योंकि जो सर्कल है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, जो सर्कल है ना पूरा 360 का होता है, तो 360 में से ये 200 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ये अंदर वाला, तो 200 में माइनस करूंगी तो 160 डिग्री आ गया, यहाँ पे ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है इन ट्रायंगल पी ओ आर, यहाँ हम लिख इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का नाम लिख दो पहले तो फटाफट, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर, तीनों एंगल का क्या सम होगा, 180, क्योंकि एक ट्राई एंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो पी ओ आर को हमें पता है 60 डिग्री है, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 प्लस। अब देखो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ओपी और ओ आर ये दोनों रेडियस हैं, तो ओपोजिट एंगल्स इनके इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो इनकी जगह हम एक ही लिख देते हैं, एक एंगल कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ओ पी आर, क्योंकि ये हमसे पूछा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी, इन दोनों की जगह इस, ये तो ओ पी आर है, इसको भी ओ पी आर लिख दो, क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है,
क्योंकि ये दो क्या है, रेडियस है, ओपी और ओआर क्या है, रेडियस। दो तो ये सौ 180 डिग्री, ठीक रुपीस है। अब ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180 माइनस 60, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो कितना बचा 120। तो एंगल ओ पी आर ये हो गया खत्म क्वेश्चन। एंगल ओ पी आर कितना हो जाएगा हमारा, 120 बटे 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ओ पी आर आ गया 60 डिग्री। अच्छा ये 160 था ना, सॉरी ये 160 था, तो 180 माइनस 160 कितना हो गया, ये 20 डिग्री आएगा। यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 10, 10 डिग्री आ जाएगा। जब मैं सोचू इतना ज्यादा कैसे आ गया 60, ऐसे ये 10 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये 10 डिग्री का आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन फोर्थ लास्ट कर लेते हैं, बस क्वेश्चन नंबर फोर्थ ही हो पाएगा ये कर लो, फिर 5 हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इन दिस फिगर एंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है 69 डिग्री का, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 31 डिग्री का। हमसे पूछा क्या है, बी डी सी, बी डी सी हमसे पूछा है कि ये कितने डिग्री का होगा ये वाला। ये तो बहुत ही इजी है, देखो पहले सबसे पहले ये ट्राइंगल बी सी, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी बी सी, एबीसी ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का नाम लिख दो सबसे पहले। एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस प्लस एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ रीजन भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, लिख देना। अब ये जो एबीसी है, एबीसी कितना है, 69, तो इसके नीचे लिख दो 69 डिग्री। बीएसी हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे बीएसी प्लस एसी, एसी भी कितना है, 31, तो इसके 31 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 69 प्लस 31 कर लेते हैं, सबसे पहले कितना आएगा, बीएसी इज इक्वल टू 180, 60 आएगा। 70 ना, हाँ 100 आएगा, बहुत अच्छे। इन दोनों को प्लस करने पे 100 आएगा, तो 100 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ दिया हमने ये 100 माइनस में, तो हमारा एंगल बीएसी आ गया कितना, 80 डिग्री आ जाएगा। इनको माइनस एट्टी करने पे 80 डिग्री आ गया, मतलब ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, सिंपल सा यही पूछा था ना अपन से, ये भी 80 होगा क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट पे, सेम बीसी के ऊपर ही ये खड़ा हुआ है और इसी बीसी के ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 80 डिग्री का, ये भी 80 डिग्री का ही हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बीडीसी, देयरफोर एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सिंपल सा ये हो गया खत्म हमारा क्वेश्चन, बस आज हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कल यहां से स्टार्ट करेंगे, आज बस यहां तक ही। एक जैसे ही क्वेश्चन दे दो। हाँ ये दोनों एक जैसे, बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आज कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 6 हम कल करेंगे, आज बस ये लास्ट कर, क्योंकि दो तीन स्टेप में हो जाएगा बस ये जल्दी से। फिगर के अंदर क्या बोला है हमें, इस वाले फिगर में क्या दे रखा है, बीईसी बी, ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 20 डिग्री, तो हमें बोला है कि बीएसी बताओ कितना हो गया। बी ए सी हमसे पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के बारे में। बीईसी बोलो, प्लस एंगल देखो सबसे पहले तो बीएससी इज बीएसी, इक्वल टू 180।
सबसे पहले तो बी ए सी, और जो ये वाला एंगल है ना, जो सी ई बी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बी ए सी ये वाला एंगल और बी डी सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल, एंगल बी ए इज इक्वल टू बी ए सी, निकालना ना बी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल बी डी सी के बराबर होगा, बी डी सी मतलब ये दोनों एंगल इक्वल। आगे ये लिखना हाँ सबसे पहले ये लिख देना बी सी, मैं लिख रही हूँ कुछ, तुम रहने दो, मैं है लिख ना। अरे सोचा इस BEC plus ECD plus BAC is equal to B180। हाँ BEC प्लस CED इज इक्वल टू 180। तो 130 plus 20 plus BAC is equal to B180। हाँ हाँ राइट सही है। 150 minus 180 180 माइनस 130 होगा ना। 30 आएगा। हाँ मैं कर रही हूँ, देखो 50 आ जाएगा, 50 डिग्री, मतलब मैं करके बता देती हूँ फटाफट, देखो लिख के बता रही हूँ मैं पूरा। देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये एंगल इक्वल होगा, तो ये लिख दो बस यहाँ पे, ये लिखना है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बस ये लिख दिया ठीक है। अब हमें करना है, देखो ये 30 डिग्री है, ये टोटल 180 होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल बी ई सी प्लस प्लस एंगल सी ई सीई डी आंसर इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पे, लीनियर पे। देखो इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 180 में से 130 चला जाएगा, यहाँ पे बीईसी कितना है 130, मैं पूरा लिख के बता देती हूँ, 130 है प्लस एंगल सीई डी इज इक्वल टू 180 ठीक है। तो एंगल सीईडी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180 में से 130 जाएगा तो 40 50 60 70 80 50 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये अगर 130 है तो ये 50 आएगा, सिंपल सा लीनियर पेयर से आ जाएगा 50 डिग्री। ये 50 है, ये 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये ट्रायंगल लेंगे रखा है ना 20 डिग्री। कौन सा। हाँ ये तो दे रखा है 20 डिग्री इन तो फिर यहाँ पर ट्रायंगल, कौन निकालना क्यों पड़ रहा है इसे? सा। सीईडी तो दे रखा है ना 20। सीईडी नहीं दे रखा है, खुशी ईसीडी है, वो तो तो 20, 20 तो ईसीडी है, सीईडी तो ये वाला एंगल हो गया ना, ये पूरा 180 डिग्री का होगा, ये पूरा 180। तो ये अगर 130 है तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, ये कह रहा है अभी तो अपने, ये 50 डिग्री आ जाएगा ये वाला। अब ये 50 है, ये 20 है, तो ये 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, इन तीनों का सम 180 होगा ना इस ट्रायंगल का, ईसीडी ट्रायंगल। देखो सीईडी अलग है और ईसीडी अलग है, ईसीडी तो है 20 डिग्री, हाँ 180 में से माइनस करेंगे, तो पहले यहाँ लिख लिख हाँ इस यहाँ पहले इन तीनों का नाम लिखना। आएगा हाँ तो एंगल 100 आ जाएगा, ये सही कह रहे हो, तो ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, बस ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बस मैं लिखना बता देती हूँ ये, इसको 100 आया कैसे, कैसे लिखना है इसको, इसको लिखना है ईसीडी एंगल ई सी डी प्लस एंगल सीई डी प्लस प्लस एंगल ई डी सी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये एग्जाम में तो ऐसे लिख के बताना पड़ेगा ना 180, और ब्रैकेट में रीजन भी लिखना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 डिग्री ठीक है। फिर ईसीडी कितना दे रखा है, ईसीडी दे रखा है 20, सीईडी कितना दे रखा है, सीईडी दे रखा है 50, और ईडीसी हमें पता नहीं, तो ईडीसी एज इट इज लिखेंगे, एंगल ईडीसी, ईडीसी को एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल ईडीसी
इज इक्वल टू 180 माइनस 180 में से भाई 70 जाएगा तो 10 आएगा, कुछ 100 नहीं आएगा। 180 में से 70 या तो 110, 110 डिग्री आएगा ये। अब ये 110 है तो ये भी 110 होगा बस। ईडीसी अगर 110 है तो एंगल ईडीसी यहाँ लिखना है इज इक्वल टू एंगल बीएसी। बीएसी और ईडीसी दोनों इक्वल होंगे तो बीएसी भी कितना हो गया 110 का। बीएसी पूछा था ना हमसे तो बीएसी भी 110 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट में है ये दोनों के दोनों, देखो। और सर्कल के यहाँ पार्ट पे है, सेंटर पे नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म हमारा, बीएसी आ गया 110। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे कल, आज बस। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।